अस्सलाम वालेकुम प्रो पाकिस्तानीज, मेरा नाम है अकरम अली और आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तानी टेक। हैशटैग आई एम ऑसम, इट्स अ रिमाइंडर एंड शुड बी अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन फॉर 2021। एंड टुडे वी हैव अ बॉक्स विद द हैशटैग आई एम ऑसम सेंट बाय सैमसंग और हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि इस अमेजिंग बॉक्स में, इस ऑसम बॉक्स में हमारे लिए क्या भेजा गया है। दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो जल्दी से चलते हैं आई एम ऑसम की ऑसम अनबॉक्सिंग की तरफ। तो ये है हमारे पास बॉक्स और इसको हम करते हैं ओपन और यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही गुड लुकिंग डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं, जिसमें हम पहली डिवाइस को टर्न ऑन करते हैं। तो ये है जी हमारे पास Samsung Galaxy A02s एंड द अदर वन इज Samsung A12 फॉर श्योर। तो प्रो पाकिस्तानीज, अगर हम दोनों डिवाइसेस की बात करें तो Galaxy A2s और Galaxy A12 के डिज़ाइंस काफ़ी डिफरेंट हैं। दोनों की बैक साइड पे ग्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है और कैमरा सेटअप की बात करें तो एक में रेक्टेंगुलर जबकि एक में बॉक्स स्टाइल देखने को मिल रहा है। A11 से अगर A12 को कंपेयर करें तो डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बैक साइड पे टेक्सचर दिया गया है और A2 के अंदर भी कुछ जगहों पे मामूली सा टेक्सचर है, बल्कि पूरी बैक पे ही टेक्सचर है, बट टू टोन कलर यूज़ किया गया है। अगर बात की जाए साइड्स की तो गैलेक्सी A12 में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं, जबकि A2 में पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स और दोनों डिवाइसेस की टॉप पे हमें कुछ नहीं मिलता। जबकि साइड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिम ट्रेज हैं और बॉटम पे दोनों ही फ़ोन्स के हमारे पास 3.5mm हेडफोन जैक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट कनेक्टिविटी और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। प्रो पाकिस्तानी, अगर दोनों डिवाइसेस की स्क्रीन की बात करें तो ऑसमनेस यहीं से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज वी हैव 6.5 इंचेस IPS PLS पैनल्स और रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1600x720 की रेजोल्यूशन गैलेक्सी A12 और गैलेक्सी A02s में देखने को मिलती है। अगर बात करें PPI डेंसिटी की तो यहाँ पे हमारे पास गैलेक्सी A12 में 264 जबकि A02s में 270 की PPI डेंसिटी देखने को मिलती है। दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें गैलेक्सी A12 के अंदर MediaTek Helio P35 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये आता है पावर VR GE8320 के GPU के साथ। और यहीं पे अगर हम बात करें गैलेक्सी A02s की तो यहाँ पे हमें Qualcomm 450 Snapdragon देखने को मिलता है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और ये आता है Adreno 506 के साथ। फर्दर प्रो पाकिस्तानीज, हम बात करते हैं कैमरा सेटअप की। गैलेक्सी A02s में जो हमें कैमरा ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यहाँ पे है हमारे पास 13 MP का मेन सेंसर जो कि है f2.2 वाइड अपर्चर के साथ, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें गैलेक्सी A12 की तो हमारे पास 48 MP का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है इस बॉक्सी शेप के अंदर, जो कि काफ़ी ऑसम है। 48 MP के मेन सेंसर के साथ ये कैमरा सेटअप आया है, जहाँ पे 5 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो और 2 MP का डेप्थ सेंसर है। फ्रंट पे A12 के अंदर हमें 8 MP का सेल्फ़ी शूटर देखने को मिलता है, वहीं पे हमें A02 के अंदर 5 MP का सेल्फ़ी शूटर देखने को मिलता है। दोनों डिवाइसेस की बैटरीज की अगर हम बात करें तो दोनों में 5000 mAh बैटरी प्रोवाइड की गई है, विच मीन्स के बहुत ही ज़्यादा ऑसमनेस और बड़ी बैटरी लाइफ। प्रो पाकिस्तानी, यूज़िबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली अपनी अपनी प्राइस रेंज के अंदर दोनों के अलग अलग फीचर्स होंगे। गैलेक्सी A02s इज़ गोइंग टू बी द चीपेस्ट एंट्री लेवल डिवाइस ऑफ सैमसंग, वाइल A12 इज़ सक्सेसर ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A11। ये दोनों डिवाइसेस जब बॉक्स में मेरे पास आएंगी तो ऑब्वियसली आई एम गोना डू एन अनबॉक्सिंग एंड अ रिव्यू ऑफ बोथ दीज डिवाइसेस, और उसके अलावा बैटरी टेस्ट, कैमरा टेस्ट और काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। सो लेट्स स्टार्ट 2021 विद सम ऑसमनेस। और अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।